अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ बर्ड की तरफ से मैं मोहम्मद जमान और मेरे साथ है इरफान भाई और मेरे साथ है शाहिद भाई। आज हम विज़िट के लिए आए हैं जेड एच एवेरी पे। जेड एच एवेरी हमारे ये शाहिद भाई हैंडल कर रहे हैं माशाल्लाह। आज हम इनसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे बर्ड्स का, इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, इनके पास क्या क्या म्यूटेशन पड़ी है, लव बर्ड के अंदर बिग वैरायटी के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। जी शाहिद भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और शाहिद भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का भाई। और शाहिद भाई माँ से ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये लव बर्ड का शौक कब से रखा है, मतलब कि पैदा हुआ, मतलब कि शौक शुरू हुआ है और कब से आपने ये कौन कौन सी म्यूटेशन रखी हुई है? ये शौक मैंने एक साल तो है शुरू, ऐसे साल तो पहले मैं रखे थे, छोड़ दीते, उस तो बाद दोबारा रखे है। तो शायद भाई छोड़ने की वजह क्या थी? छोड़ दिए बस, टाइम नहीं सीधा। चले सही। तो शायद भाई अब आप मुझे बताएंगे आपने कौन कौन सी वैरायटी बर्ड्स के अंदर रखी हुई हैं? मेरे पास लव बर्ड में लटीनो, फिशर, उसके अलावा रजीला है, येलो रिंग नेक, ब्लू रिंग नेक, सनकनोर, रा क्रीम के जोड़े हैं मेरे पास सनकनोर के, और इसके अलावा काकटल के काफ़ी अच्छे ब्रीडर जोड़े हैं। अच्छा माशाल्लाह आपने लव बर्ड और बड़े बर्ड्स के अंदर सब म्यूटेशन रखी हुई हैं आपने, तो क्या आप हमें दिखाना पसंद करेंगे अपनी बर्ड? हाँ देखो, आओ जरा चले आ जाए मेरे साथ, कैमरा मैन को रिक्वेस्ट करूँगा आगे दिखें। जैसा कि हम जाहिद भाई के सेटअप के अंदर आ गए, माशाल्लाह इन्होंने फुल कलोनी लगाई हुई है, कलोनी के अंदर इन्होंने माशाल्लाह लव बर्ड के अंदर काफ़ी वैरायटी छोड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा अपना शाहिद भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये बॉक्सेस वगैरह कब लगाए हैं? अब तो माशाल्लाह सीज़न स्टार्ट होने वाला है, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए जो नए नए फैंसियर हैं जिन्होंने नया नया शौक स्टार्ट किया है, तो मतलब कि उनको बताएं कि ये आपने किस मौसम के लिहाज से आके ये बॉक्स लगाए हैं? मैंने एक महीना हो गया ये बॉक्स लगाए हैं और अंडे तकरीबन सब जो उन्होंने दिए हैं। अच्छा मतलब कि माशाल्लाह इन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है, माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला बरकत डाले। अच्छा माशाल्लाह मुझे बताएंगे, आप गाइड कीजिएगा कि इसके अंदर कौन कौन सा आपने छोड़े हुए हैं जोड़े? छोटी वैरायटी में, हाँ जी छोटी, छोटी लव बर्ड में लटीनो है, लबीनो है, और उसका फिशर है, ब्लू मास है, कबाड़ है, ये तमाम वैरायटी मेरे पास है। अच्छा और मुझे देखने में आ रहा है कि आपने माशाल्लाह यहाँ पे जो बड़ी वैरायटी है जिसके अंदर येलो पैरेट हो गया, उसके बाद ब्लू पैरेट हो गया, और इसके नीचे मेरे ख्याल से आपने रोजीला छोड़ा हुआ है। ठीक ठीक, तो ये माशाल्लाह ये आपने ब्रीडिंग सेटअप इससे ब्रीड ले रहे हैं आप? हाँ जी इससे ब्रीड ले रहे हैं, मेरे दो तीन जोड़ों ने अंडे भी दिए हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, मतलब कि इन्होंने ब्रीड स्टार्ट कर दी हुई है, मतलब कि इनका सीजन अब स्टार्ट है? स्टार्ट है ब्रीडिंग का, मेरे पास येलो है, जो ब्लू है, रोजीला है, जो सनकनोर ने अंडे, और बच्चे तकरीबन देने के करीब है। सही सही माशाल्लाह। और पीछे जो केज में नज़र आ रहा है उसमें मेरे ख्याल से आपने रखे हुए हैं क्रीम कॉकटेल वगैरह? ये कॉकटेल के पट्टे हैं मेरे पास, 15 निकले हैं, 15 पीछे हैं मेरे पास। अच्छा मतलब कि आपने माशाल्लाह कॉकटेल से ब्रीड लेनी स्टार्ट कर दी हुई है, मतलब कि उनके माशाल्लाह पट्टे निकले हुए हैं, 30 बच्चे निकले हैं मेरे पास। सही। उसके अलावा अंडे तमाम जो उन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, और ये नीचे नज़र भी आ रहा है कि आप पानी वगैरह और यो मतलब कि दाना, इनकी सीड वगैरह, वो हर चीज़ मेंटेन करके दे रहे हैं, और माशाल्लाह वो केज के अंदर ही सारा कुछ रखा हुआ आपने? हाँ जी, ये चीना कंगनी, बाजरा, सूर्यमुखी का दाना, ये तमाम चीज़ें मिक्स करके मैं डालता हूँ। चले माशाल्लाह, चले अब हमें अब बड़ी वैरायटी की तरफ लेके जाएँ आप, हमें दिखाएँ कि आपने बड़े बर्ड में क्या क्या रखा हुआ। और जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने वाइट और ब्लू रिंग नेक के मेल और फीमेल दोनों को क्रॉस से निकला हुआ है माशाल्लाह, शायद भाई के बकौल की ये बता रहे हैं कि ये दोनों ब्रीडर पेयर हैं हमारे पास, और ऊपर वाइट और येलो दोनों का कंसीडर मिक्स लगा हुआ है पेयर, और उससे नीचे रा का पेयर लगा हुआ है, बिग म्यूटेशन के अंदर लगाया हुआ इन्होंने। और इससे आगे आप आएंगे तो इससे आगे हम आपको दिखाते हैं येलो रिंग नेक का पेयर, जिसे क्रिमिनो भी कहा जा सकता है क्योंकि येलो की शेड भी दे रहा है ये, और इससे नीचे जो है फिर एक रा का पेयर माशाल्लाह लगाया हुआ इन्होंने। मेरे ख्याल से इसकी जो फीमेल है वो बाहर है और मेल बॉक्स के अंदर मौजूद है। और फिर इससे आगे आ जाएं और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक पेड़ लगा हुआ है सनकनोर का, जैसा कि शाहिद भाई हमें बता रहे हैं कि फ़ीमेल ने एग वगैरह ले कर दी हैं और अनकरीब इनसे बच्चे निकलने वाले हैं। बर्ड्स का शोर तो आपको आता रहेगा क्योंकि उनको हमने डिस्टर्ब किया है। और इससे नीचे हम आपको पेड़ दिखाते हैं, इससे नीचे है रा का पेड़, माशाल्लाह रा का पेड़ रखे हुए इन्होंने माशाल्लाह। कलोनी के अंदर ये कलोनी है जिसके अंदर इन्होंने मेरे ख्याल से माशाल्लाह कॉकटेल वगैरह और साथ में बजरी वगैरह रखे हुए हैं। जगह मुख्तसर होने की वजह से हम थोड़ा तंग हो रहे हैं, और जैसा कि आप यहाँ पे हम देख सकते, दिखा सकते हैं आपको, इंशाल्लाह दिखा सकते हैं माशाल्लाह, यहाँ पे बजरी, कॉकटेल और फिंचीज और जावा के कम मतलब के जोड़े रखे हुए हैं। तो मैं अपने भाई को कहूँगा कि इंशाल्लाह वो आपको ईजिली दिखा सकें आगे होके। और माशाल्लाह जैसा कि वो बता रहे हैं कि कॉकटेल वगैरह की ब्रीड इनके पास नेक्स्ट दोबारा आई हुई है, और माशाल्लाह इनकी जो है आपको बॉक्स मैं खोलने की कोशिश करता हूँ कि इनमें ब्रीड है या नहीं है।
मतलब कि कई बॉक्सेस के अंदर आग गए हैं और कई बॉक्सेस के अंदर ये मौजूद है। और इसके अंदर एग्जीबिशन वगैरह इन्होंने रखा हुआ है और कॉकटेल के जोड़े इन्होंने माशाल्लाह पेयरिंग यहाँ पे की हुई है। और साथ में यहाँ पे मेरे ख्याल से इन्होंने मिक्स ही रखा हुआ है सारा, बजरी कॉकटेल और जावा। और साथ में इसके आप वो नेस्टिंग देख सकते हैं, जावा ने नेस्टिंग स्टार्ट की हुई है। ठीक है चले, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके इस बड़े सेटअप में जेड एच एवेरी के अंदर बरकत डाले। माशाल्लाह बड़े बर्ड्स के अंदर इन्होंने सनकनोर, येलो रिंग नेक, ब्लू रिंग नेक और रा के जोड़े लगाए हुए हैं। और जैसा कि इरफान भाई भी हमारे साथ साथ है क्योंकि ये हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे से ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन है इस बर्ड्स के बारे में क्योंकि यही शाहिद भाई के इस एवेरी को माशाल्लाह हैंडल कर रहे हैं। जब भी इनको कोई ज़रूरत होती है बर्ड्स की या किसी चीज़ की मेडिसिन की तो ये माशाल्लाह इरफान, हमारे इरफान भाई इनको फुल के फुल कोऑपरेट करते हैं, इनके साथ इनकी रहनुमाई करते हैं और इनकी हेल्प करते हैं, चाहे वो बीमार हो या कोई इशू हो, खुराक का हो मसला, किसी चीज़ का मसला हो, ये हैंडल करते हैं उनको। जी इरफान भाई, तो प्यारे इरफान भाई आप जैसे कि मैं शाहिद भाई ने बताया कि इरफान भाई आपके साथ मतलब के उनके साथ आप काफ़ी हेल्पफुल काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। इरफान भाई हम आपको देख के सलूट करते हैं, सलूट करने का दिल करता है आपको देख के, हमें भी कहने के जज्बा होता है, जज्बा होता है कि आप माशाल्लाह इतनी मतलब के इस भी एक्सीडेंटली हालत में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, तो माशाल्लाह आपको क्या दिली सुकून मिलता है ये आप ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं कुछ कह सकता। जी इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों, देखने वाले को उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये एक्चुअली ये मेरा बचपन का शौक़ था, मेरे साथ ये एक थोड़ी ऐसी हो गई जिसकी वजह से मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मेरा शौक़ था, एक्सपीरियंस था, मेरा ये है कि जितना जिस भाई का फ़ायदे से फ़ायदा हो सके उतना किया जाए और जिस अननोन पर्सन का नहीं मालूम तो उसे इनकी इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि कोई भी बर्ड्स के साथ ना मायूसी ना हो, सब इनसे फ़ायदा उठाएँ और ये अल्लाह पाक की कुदरत है जिनसे हमें अच्छा सिला मिल रहा है और माशाल्लाह ये हमें बहुत अच्छी ब्रीड दे रहे हैं और माशाल्लाह शाहिद भाई का भी अच्छा इसमें हाथ है कि ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवरों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी जी माशाल्लाह वो देखने तो मैं महसूस हो रहा है कि माशाल्लाह आप कितनी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ, बाकी माशाल्लाह आपको देख के भी हो रहा है। और व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इरफान भाई है ये मेरे बड़े भाई हैं, माशाल्लाह मेरी लिए काबिल मोहतरम है और ये चैनल भी इन्हीं के तवस्सुल की वजह से बना और वर्किंग स्टार्ट हुई है। ये माशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे साथ हर सेटअप में रहा करेंगे, हर वीडियो में आपको नज़र आएंगे। ये चैनल मेरा नहीं है, ये हमारे प्यारे भाई हाफिज इरफान साहब है, इन्हीं का ही है, इन्हीं का ही है, इन्हीं की तवस्सुल और इन्हीं की मेहनत के साथ हम खड़े हैं साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियो और भी नज़र आती रहेंगी। ओके जी। जैसा कि आपको माशाल्लाह सारा शाहिद भाई का जेड एच अवेरी का पूरा सेटअप विज़िट करवाने के बाद आपको हमने दिखाया कि इन्होंने कैसे माशाल्लाह मेंटेन करके सारे बर्ड्स रखे हुए हैं, क्या क्या म्यूटेशन रखी हुई है। इसके अलावा माशाल्लाह जो सबसे अच्छी बात हमें ये लगी है कि इन्होंने जो इनको सेटअप को जो सनशाइन मतलब के सूरज की शुआएँ, ग्रीनरी जो माशाल्लाह दी हुई है वो देख लेते हैं कि आपके वो काबिले तारीफ़ ही हम कह सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एनवायरनमेंट दी हुई है। और बाकी आपके सामने हमारे गेस्ट आए हुए हैं आज मिलने के लिए, वो भी इधर शाहिद भाई को मिलने के लिए आए हुए हैं और बैकग्राउंड में इन्होंने कह लें कि एक डेरा किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है पूरा, उसके अंदर सेटअप बनाया हुआ है और इसके अंदर आप देख सकते हैं नेट भी लगा हुआ है, मतलब नेट भी लगा हुआ है, यहाँ पर स्पोर्ट्स का काम भी चलता है। साथ में बर्ड्स को हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट दी हुई है। बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। मुझे इरफान भाई को, हमारे कैमरामैन और शाहिद भाई को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।